हाँ जी बिल्कुल साहब, तो ठीक है, ओके डांके शाह। हाँ जी आप शुरू। हाँ जी मुफ्ती साहब आप शुरू करें। ये है कि बात शुरू यहाँ से करते हैं कि आप अपना नाम वगैरह बता दें, अपनी फैमिली बैकग्राउंड वगैरह बता दें। नहीं, वो तो बता दी है मैंने, अब इसका क्या बताने की ज़रूरत है। जर्मनी में मैं हूँ, मेरा नाम आपको पता है, जाहिद खान, पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, लाहौर से। तो ये आप सब, आपको पता है, आप ये ले चुके हैं। शायद इलम में नहीं है, मेरा चैनल पहला जो था जिसके ऊपर आपके मुनाजरे और वो रखा हुआ था इंटरव्यू, तो आपका सबसे पहले इंटरव्यू मैंने लिया था, तो वो चैनल हमारा चला गया, वो डिलीट हो गया है। अब ये ओए नया चैनल बनाया है खत्म नबूत फोरम, ठीक है, ओए, तो इस अच्छा वजह से जरूरत पेश आ रही है कि जो डाटा हमारा उसके ऊपर था वो डाटा इसके ऊपर आ जाए नए सिरे से, ठीक है। तो आप ये मत समझे कि भाई आपको पता है या मुझे सेकंड। पता है या नहीं पता। हाँ जी ओके है, ओके। ये है कि सुनने देखने वाले भी नए नए आते रहते हैं, तो आप बहरहाल आज इंटरव्यू है, जो आपसे पूछा जाए तो अगर आप जवाब देना चाहें तो ठीक है, नहीं तो जवाब देना चाहें आपकी मर्जी है। आज मैं डिबेट नहीं कर रहा, डिबेट हम करेंगे वो आपसे टाइम तय करके मौजूद तय करके, चलो ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो आप अपना नाम वगैरह और फैमिली बैकग्राउंड वगैरह बता दीजिए। नाम मेरा जाहिद खान है और 50 साल से ऊपर मुझे जर्मनी में हो गए हैं और मेरा ताल्लुक लाहौर से है। मेरे वालदैन पैदाइश भी लाहौर की है। तो मेरे जो वालदैन हैं, आपको भी पता होना चाहिए, 1947 से पहले वो भी इंडिया से आए थे। तो ये बैकग्राउंड है। ये बैकग्राउंड है आपका, ठीक है। तो लाहौर में किस जगह से आपका ताल्लुक है, इतना बड़ा लंबा चैनल जब चैनल है। मैंने लाहौर को छोड़ा था, जब मैंने, तो मेरा ताल्लुक है 52 मैकलोर रोड, किला गुजर सिंह से। ये वहाँ पे लाहौर होटल था और लक्ष्मी चौक, जहाँ पे ये फिल्में वगैरह, जहाँ पे सिनेमे हैं, यहाँ की मेरी पैदाइश है। तो मैकलोर रोड और के सामने किला गुजर सिंह है, यहाँ पे मेरी रिहाइश थी वालदैन की, और यहीं पे मैं पैदा हुआ। मेरे वालिद साहब का काम था ये असले का, वो काम करते थे चौधरी असले एंड कंपनी। तो यहीं मैंने बचपन गुजारा, यहीं से मैं फिर घर से यहाँ मैंने छोड़ दिया पाकिस्तान को, जब खुदा ने मुझसे कहा। तो ये बैकग्राउंड है। अच्छा, अभी अभी आपकी फैमिली वगैरह इधर ही है लाहौर में, आपके वालदैन या मतलब जो भी कोई है घर इधर के, खत्म हो गया। बस काफ़ी अर्से पहले वालिद साहब का पता लगा था किसी से, वो वफात पा गए हैं। तो तकरीबन तकरीबन वो सिलसिला ख़त्म हो गया है, मेरा ताल्लुक नहीं है। बाकी जो फैमिली है, सिस्टर ब्रदर्स, जिनको, वो अमेरिका में है। अच्छा, ये जो इलाका आपने बताया ये मुगलपुरा के करीब पड़ता है। मुगलपुरा से तो दूर पड़ता है, ये रेलवे स्टेशन के करीब पड़ता है। अच्छा, मुझे नहीं पता। अच्छा, पहले तो आपने जब इंटरव्यू दिया था तो उस वक्त तो आपने मुगलपुरा बताया था, आज मुझे आपने कोई और ही जगह बता दी। ये मुगलपुरा जो है, ये तो बहुत बाद में जाके, जब मैंने छोड़ दिया था, तो मेरे वालदैन ने कोई गालबन 15 साल बाद या 17 साल बाद ये मुगलपुरे में एक मकान लिया था, गुलशन पार्क में। तो उसका तो मुझे खैर पता ही नहीं है, ना मैंने वो देखा। तो जब मैंने छोड़ा, जहाँ मेरे वालदैन थे, वो ये रेलवे स्टेशन और लक्ष्मी चौक के दरमियान पड़ता है 52 मैकलोर रोड, यहाँ पे रिहाइश थी। देखिए जाहिद साहब, है तो मेरा ये इंटरव्यू डिबेट तो नहीं मैं कर रहा, लेकिन क्योंकि पहले आपने इंटरव्यू दिया उसमें
मैं आपको, मैं आपको बता तो रहा हूँ ना, पहले झूठ बोला ना अब बोल रहा हूँ। ये मकान जो गुलशन मुगलपुरे का है, मैं तो था ही नहीं, 17 साल के बाद मेरे वालदैन ने खरीदा था ये गुलशन मुगलपुरे में। ना मैंने इस मकान को देखा, ना मैं इस मकान से वाकिफ हूँ। जब मैंने छोड़ा तो मैं मैकलोड रोड पर रिहाइश थी हमारी। ठीक हो गया। और जर्मनी के अंदर कहाँ पे आप तशरीफ फरमा हैं? फ्रैंकफर्ट जर्मनी में मैंने, फ्रैंकफर्ट में हूँ मैं। भी इतना बड़ा है, हाँ, मतलब लेकिन आगे मैं नहीं बता सकता पुलिस सिक्योरिटी की वजह से शहर। नहीं, आपके तो अभी दावाजात के हम सुनेंगे, आपके तो देखे ना बड़े बड़े दावाजात है, तो आप क्यों नहीं बता सकते? क्या ये बताने का वो आपके उत्तर नहीं कहा कि नहीं बताना? नहीं, आपको याद होगा जब हमारा पहला इंटरव्यू हुआ था ना। आई हैव टू क्लोज बिकॉज़ इट डिस्टर्ब मी। ओके। हाँ जी, वो उधर आवाज आ रही थी। तो जब पहला इंटरव्यू हुआ था वो भी यहीं पे खत्म हुआ था, वो जिद बैसी पर कि आप जी, चलो ठीक है। कारोबार जो है, मैं जाती कारोबार, वो मैं मकान नीलामी में खरीद के बेचता हूँ आगे से बना के। ये मेरा कारोबार है। और मेरी बीवी हैं और बस खुदा का शुक्र है, बड़ी इनायात हैं। शादी जो है आपने उधर ही जर्मन लड़की से की हाँ है? जी, जर्मन औरत से जी। वो अलहाद से ताल्लुक़ रखती थी फैमिली उनकी। हाँ जी, तो वैसे तो बैकग्राउंड ईसाइत की है। तो होता यह है कि यहाँ पे जो अक्सरियत है उनका ताल्लुक अपने मज़हब से होता है, ईसाइत से, लेकिन जब सवालों से मुतमईन नहीं होते तो चर्चों को छोड़ छोड़ देते हैं। ठीक तो हो गया। चलो, अच्छा, कोई औलाद वगैरह कितने बच्चे मेरे काफ़ी हैं, कोई 10 बच्चे हैं। हैं? अच्छा, एक एक औरत है ठीक है, नहीं, सेट सेटों पर भी कोई हाँ जी, आपका एक भी है? एक एक पहले से हुई थी, उससे बच्चे हैं, और एक इनसे। पहली को तलाक दे दी थी। अच्छा, इससे कितने हैं? इससे है कोई अपना 4 बच्चे। आप इतना सोच रहे हैं कि आपको गिनने पड़ रहे हैं सारे नहीं सारे सारे भाई, वो बाद वक़्त जब इतने बच्चे हों तो बाद वक़्त नाम किसी और का लेना होता है तो किसी और बच्चे का ले लेते हैं नाम। तो फिर तलाक नहीं दी थी, उसने खुद ही मांगी थी क्योंकि वो बहुत बीमार पड़ गई थी। तो उसने कहा मैं ये संभाल नहीं सक, वो ईसाइत से। सुन लिया करें, मेरा जवाब सुन लिया करें, आप एकदम बीच में टोक देते हैं। तो वो बीमारी बहुत ज़्यादा हो गई थी, फिर दुआ की, फिर लेकिन उसने कहा कि आप दूसरी शादी कर ले, तो मैंने फिर उसको तलाक दे के दूसरी से शादी की थी। तो लेकिन वो भी मिशन में है, लेकिन वो भी मिशन में ही है, लेकिन वो किसी और शहर में है। तो और उसके मेरा ना इस्लाम से ताल्लुक़ है ना ईसाइत से है, किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं। मुझे खुदा ने कहा है जो एक इंसानियत का ख़ानदान, इससे ताल्लुक़ रखता हूँ, एक इंसानियत का ख़ानदान होगा जिसका मेंबर खुदा की ज़ात होगी। तो इसी की तालीमात दे रहा हूँ मैं, मज़हब की दुनिया तमाम हुई। अच्छा, आपका किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है।
इस्लाम से पैदा तो वहीं हुआ ना, मैं इस्लाम में। अच्छा, पहले इस्लाम में आप पैदा हुए थे, जी। तो जब इस्लाम में आप मुर्तद कब हुए? मुर्तद नहीं हुआ, मैं आज भी मोहम्मद साहब को नबी मानता हूँ। मुझे खुदा ने कहा 16 साल की उम्र में कि इस मजहब, मैं कह रहा हूँ ना, ये सिर्फ देखने देखने का कसूर है। खुदा ने कहा कि मज़हब की दुनिया ख़त्म हुई, जर्मनी जा, मैं तुझे और नई तालीमात दूंगा, अब एक इंसानियत का ख़ानदान होगा। तो मुर्तद कैसे हो गया? या तो मैंने नबी सा वो सारी चीज़ें मैं आपको डिबेट में बताऊंगा जाहिर साहब, अभी ये डिबेट का भी सिलसिला शुरू करेंगे ना, तो ये मैंने लिख ली है पॉइंट, तो ये डिबेट में मुकालमे के अंदर ये चीज़ें करेंगे। चलो माशाल्लाह। मेरा दावा जो है, ज़रा सुन लीजिएगा, बीच में ज़रा मुदाखलत ना कीजिए। मेरा पहला दावा, माशाल्लाह, आपकी ज़ुबान से महान सुन के शुक्रिया अदा करने को दिल कर रहा है, तो आपने ख़ुद महान कह दिया। पहला दावा जो है वो ये है कि मज़हबों की सब खुदा ने लपेट दी। लिख लें। आप बोलते थे। दूसरा जो है दावा, क्या ऐलान है, दूसरा ये है कि अब एक इंसानियत का ख़ानदान होगा जिसका महवर खुदा की ज़ात होगी और ज़मीन खुदा के नूर से रोशन हो जाएगी। ये ज़रा लुकवाइएगा, जादू जादू हो जाता है। हाँ जी, बड़ा जादू हो गया। दूसरा ऐलान जो ये है कि अब ज़मीन के वारिस खुदा के लोग होंगे। आसान तरीके से बताता हूँ, और ज़मीन खुदा के नूर से रोशन हो जाएगी, और वो नबूवत जो मज़हबों के अंदर है कि नया आसमान और नई ज़मीन होंगे, नए आसमान से मुराद खुदा की मंशा पूरी हो जाएगी, नई ज़मीन से मुराद अहले दिल होंगे कि ज़मीन अंबिया से भर जाएगी। रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, रिकॉर्डिंग कर ले। रिकॉर्डिंग हो रही है कि लाइव चल रहा है? चलो ठीक है। जमीन अंबिया से भर जाएगी। ठीक हो गया, मैंने लिख लिया सर। चलो ठीक है। जी चलो ठीक। तो ये एक मिनट, एक और नबी साहब हैं। हाँ जी, हाँ हाँ मैं आपका नौकर बन के आया हूँ आज। अच्छा, वाह 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 जी वाह। मुफ्ती साहब, आपकी आधी ज़िंदगी इसी धक्कों में गुजर गई और हुआ कुछ भी नहीं, और नबी आते जाते हैं। देखो ना, हमारी 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 अच्छा अब अच्छा, मैंने वो आपको एक और बात भी बतानी है, वो भी अच्छा। हाँ लेकिन नहीं, मुफ्ती साहब ना सुन भी लेना, मेरी जमात में हमारी जो मूवमेंट है उसमें ही 17 नबी आ गए।
सतारा नबी, हाँ यही तो बता रहा हूँ, ये बम गिरा रहा हूँ आप पे, सतारा नबी यूरोप में आ गए। वो बता देंगे, वो सारी लिस्ट है वो भेज देंगे आपको बना के। भाई उनके तो इंटरव्यू आ गए हैं यूट्यूब पर, वो इंटरव्यू। एक हमारे अतन नबी हैं जो साउथ अफ्रीका से हैं। हाँ जी अतर, हाँ जी हाँ जी, वो साउथ अफ्रीका से हैं। अगर आप चाहें, जरा सुन लिया करें, आप चाहें तो उनसे भी डिबेट करा देंगे आपकी। मैं कह रहा हूं ना कि आज आज जादू हो जाएगा। और है नबी एक हमारे आफताब हैं, वो भी साउथ अफ्रीका में नबी है, उससे भी आपकी डिबेट कराएंगे। एक हमारे हेलमुट रूशा जर्मनी में है, उनसे भी डिबेट कराएंगे। एक हमारे हेरमन हैं जो 40 साल से मेरे साथ हैं, वो भी नबी हैं, उनसे भी आपकी डिबेट कराएंगे। और उसके बाद मारियन, ये फीमेल हैं, जर्मनी जर्मन हैं, उससे भी आपकी डिबेट कराएंगे। आप जितने भी मुकाबले करवाएंगे हम करवाते जाएंगे आपके, ले आएंगे। जैसे कि आप जैसे 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 आपके जी। अभी बात जी 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 रोशन, माशाल्लाह, बाबा हाँ, बस खुदा से शुरू करते हैं और खुदा पे खत्म करते हैं। हाँ जी, कौन क्या? ठीक है, खुदा ने मुझसे कहा, हाँ हाँ बता तो रहा हूँ, खुदा ने कहा था कि मैंने इस जर्मन कौम को चुना है और यहाँ से ये तालीमात फैलेंगी और यूरोप में और फिर पूरी दुनिया में फैल जाएंगी। फिर खुदा ने मुझसे कहा था कि जो जो मैं मुशाहदात और जो जो बता रहा हूं वो तू अगर बता देगा, मोहम्मद अरबी और ईसा की तरह छुपाएगा नहीं, तो मेरी दुनिया आ जाएगी। तो वो अब 8-9 किताबें हो गई हैं, 4-5 किताबें तो मैंने भेज दी थी आपको, तो अब कहेंगे तो और किताबें भी भेज देंगे। वो सारी तालीमात जो है वो मैं बताता जा रहा हूँ। बड़ी अच्छी बात है फिर तो, बल्कि मैं कोशिश करूँगा कि आप यहीं के हो जाएं। नहीं मैं आपको वापस ही नहीं जाने दूंगा, मुझे प्यार हो गया आपसे। वाह वाह भाई, ये बात तो आपने आपने बम मार दिया। वाह जी वाह, तो फिर ऐसा होगा, चाहे आप कितनी बक बक करें, दिल मेरे साथ हैं फिर आपके, क्योंकि मेरी भी यही दुआ थी कि आप इधर आ जाएं, तो दुआ मेरी पूरी हो गई। हाँ जी मुफ्ती साहब, आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, हेलो मुफ्ती साहब कहाँ हैं? हाय हाय, मुफ्ती साहब की दिस पिक्चर इज स्टॉप एक्चुअली। Das ist nicht von unserer Seite, oder? But you can go on deflect. Mufti Saab,
यही तो मेरी दुआ थी। दुआ मेरी ये थी मुफ्ती साहब कि चाहे कितनी मुंह से आप बकबक करें, दिल मेरे साथ हैं। और अब आप कह रहे हैं कि मैं आई वहाँ रहा हूँ, तो फिर तो हमारा साथ बहुत होगा। एक अब अगर आ गए जी आप वापस। जी जाहिर साहब मेरे ना यहाँ पे लाइट चलेगी, अभी मैं मोबाइल से आया हूँ। मोबाइल। अच्छा आप आ जाएं, यहाँ पे तो लाइट जाती नहीं है। तो लाइट का थोड़ा सा इशू यहाँ पे बना हुआ है। तो मुफ्ती साहब अगर आप यहाँ आ गए तो हमारा प्यार बहुत बढ़ेगा। एक मेरा, हाँ एक मेरा प्यार दो जहाँ से प्यारा है। फिर तो वो मेरी फिर दुआ ही पूरी हो गई। यही तो मेरी दुआ थी से कि अल्लाह मुफ्ती साहब को इधर पहुँचा दे। अच्छा ये जुगतबाजी तो बाद में कभी करें। ना 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 ना, ना, ना। मैं दिल की बात कह रहा हूँ। दिल मुझे दवा जात लुकवा रहे थे। चलो ठीक है। तो एक और नया आया कि जर्मन पूरी कौन से यहाँ से पूरी दुनिया के अंदर वो नूर फैल जाना है पता नहीं। और किताबें ये आखिरी आपने लुकवाया था कि वो किताबें और छापो। और छप गई हैं, छप गई हैं। और भी कोई दावा जाते हैं आप? और ये कि जो कियामत है कि वो तोड़ फोड़ की कियामत नहीं है, वो क़यामत ये है कि मेरे आने के बाद मैं नया आदम हूँ। ये भी सुन लें, ये पुराना आदम जो था उसके 6,000 साल मुकम्मल हो गए, मैं नया आदम हूँ। और मैंने बुनियाद रख दी है कि अब ज़मीन, ये जो बुराई है ये ज़मीन पे ख़त्म हो जाएगी और खुदा का ज़माना शुरू हो जाएगा। ये ख़ास ख़ास चीज़ें हैं जो मैंने। अच्छा अगर इंसानियत मेरा पैगाम जान गई तो 40 साल का वक्फा है, वरना खुदा ने कहा है कि दूसरी और तीसरी नस्ल में खुदा की दुनिया शुरू हो जाएगी और ये माजी की दुनिया जो है बुराई की ये ख़त्म हो गई। बस फिर हर तरफ खुदा की मोहब्बत और जिंदा अहले दिल होंगे, नबी होंगे। ये ज़मीन पे खुदा हम कलाम होगा और जो असल बात बताई है खुदा की ज़ात दिखाई देगी। आसमानों पे फटेंगे आसमान और खुदा की ज़ात दिखाई देगी और जो जन्नतें हैं वो खुली खुली जाहिर होंगी और दिखाई देंगी इस ज़मीन से ही। और एक अजीब हालत तारी होगी जो खुदा ने कहा था कि मेरी मंशा पूरी हो जाएगी। तो ये वो वक्त है और इसका बानी मैं हूँ। मुझे खुदा ने ये तालीमात दी हैं। अब ये नहीं पता कि आपने मेरी तालीमात पढ़ी थी, मैंने बड़े पैसे लगा के आपको वो किताबें भेजी थी, लेकिन अब तो और आ गई हैं बड़ी बड़ी किताब। और भी कोई दावा है तो बता दें। चलो ये काफ़ी हैं दावे बात। हाँ इस पर ही क्या काफ़ी। अच्छा जी जाहिर साहब। जी साहब। ये जितने भी दावा जात और ये चीज़ें आपने लिखवाई हैं ना जी, इन में से एक भी कोई नबी तो रसूल होने का कोई दावा नहीं? भाई मुफ्ती साहब नबी कहते हैं उसको जब खुदा हम कलामी कर दे। जो ही खुदा हम कलामी करे वो शख्स नबी है। नहीं देखे ना, या तो देखे आप झूठ बोलते हैं और झूठ की जो आदत वो आप जा रही रही, आप तो पता नहीं समझ नहीं आ रही मैं कर क्या रहा हूँ। पहले भी आपने आते ही वो पहले तो जगह पिछले मुनाजरे के अंदर, पिछले इंटरव्यू के अंदर आपने मुगलपुरा बताया, आप उनकी बारी मुझे किसी और जगह जा रही है आपने। अच्छा बारह अभी जो आपने मुझे लिखवाए मैंने डायरी के ऊपर लिखे हुए हैं और रिकॉर्डिंग हो चुकी है, मैंने दिल पे लिखे हुए हैं। मैंने जानबूझ के बार बार आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई और भी चीजें हैं तो मुझे बता दें। मुफ्ती साहब ये आपका इनमें से एक भी नहीं है कि मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ, बला बला बला, ये तो कोई भी नहीं है। मुफ्ती साहब मुझे भी बोलने की इजाज़त दिया करें, ये आपका पुराना काम है, आपने भी अपना धंधा नहीं छोड़ना।
जब से मैं आपको जानता हूँ यहीं से शुरू करते हैं, यहीं पे आप ख़त्म कर देते हैं, तो ना आप बदलेंगे ना हम बदलेंगे। फ़र्क ये है, हमने जीवन खुदा की राह में दे दिया है, फ़र्क इतना है। और हम अंधे नहीं हैं, मैं खुदा से हमेशा मुलाकातें करता हूँ, आपके अंबिया से मुलाकातें करता हूँ, फरिश्तों से मुलाकातें करता हूँ, और आपको अगली दुनिया दिखाई नहीं देती। आप अंधे हैं, आपको मौत के बाद दिखाई देगा तो आप शियाओं की तरह मातम करेंगे कि ये क्या हो गया है, हमने खुदा के दिल को क्यों नहीं माना, खुदा के मसीह को क्यों नहीं माना। फिर आप छातियाँ पीटेंगे। तो आपके मुतल्लिक भी देखा है कि मौत के बाद आपकी कोई मदद नहीं हुई, बल्कि मैंने ही मदद की आपकी मौत के बाद भी, क्योंकि आपने जो शोर मचाया उससे कई लोग मिशन में आ गए और नबी भी बन गए, तो वहाँ भी मैं आपकी मदद करूँगा। तो ये जी मुबशर साहब, ठीक है जी, मैं भी तो बता दूं अपना कीता, मेरी भी सुन लें। अच्छा, वो आपका कीता, अच्छा आए हाय, हमारे से भी पूछ लें हम क्या समझते हैं। मुफ्ती साहब, आप हमारा कीता भी सुने ना, ये क्या बात किए जा रहे हैं आप? आपका तो सुन लिया मैंने आपका कीता। चलो ठीक है, हमारा की आप मुबशर साहब बड़े इंतहा पसंद हैं, मुझे लगता है हाँ आप तालिबान हैं। हाँ मैं अब मैं देखता, आप बोला ना करें। अच्छा तो मैं अब मुझे भी बात करने दें ना, हम कोई आपको जंती मखलूक नहीं समझते, हम भी आपको बदतरीन मखलूक समझते हैं। नहीं तो आप अपना कीदा भी तो बता देना आप। हम समझते हैं कि आप तमाम मजहब वाले जहन्नम का ईंधन हैं और आपकी खैर नहीं, हम आपको अल्लाह के पैगाम भी सुनाते हैं। अच्छा मजा नहीं आता। अच्छा एक एक मिनट ले लो, दो दो मिनट ले लें, दो दो मिनट। मुफ्ती साहब देखें, मुफ्ती साहब सुने, आप इस्लामी मुल्क में रहते हैं, 73 साल आपको जूतियाँ पड़ी, आपसे इस्लाम ही नहीं आता, ना आता है ना जाता है। वो हमारी तालीमा तो फिर नहीं है इल्ला माशाल्लाह। आप अपनी बात करें, आप इस्लाम में कितना इस्लाम फैलाया आपने,
आप मजबूर होके बैठे हैं, आहें आप भरते हैं, रोते आप हैं, तड़पते आप हैं। हम इधर पूरे यूरोप में तालीमात फैलती जा रही है हमारी, तो कौन तड़पता है? तो खुदा खुदा किसके साथ है? अच्छा चलो ठीक है, माशाल्लाह इसी के लिए तो चलो ठीक है। तो कल भी यही वक्त रख लेते हैं अपना 12 बजे का, और जी जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब एक बात मैं बता दूं, जाते जाते मैंने मेरी वो YouTube पे नसीम के साथ गुफ्तगू भी है, मैंने बताया था उसे पाकिस्तान ना जा वरना ये सुअर ये मौलवी तुझे मार देंगे। मैंने बताया था, आप सुन ले, डिबेट सुन ले। भाई जी मुबशर साहब ये जो गुंडे हैं इन गुंडों को मैंने कई दफ़ा गोलियां मारी हैं, ये जब भी हमला आवर जब भी सुन ले मुझे बचाने वाली ज़ात बहुत बड़ी है, ये जितनी दफ़ा हमला आवर हुए हैं इन्हें गोलियां पड़ी हैं मेरे ओ मुझे मुबशर साहब मैं अच्छा मैं एक बात सुन ले। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ, अभी इसी महीने में मैं शहर के अंदर फ्रैंकफर्ट में कई हज़ार लोगों से मुखातिब होऊंगा, ले आ जाए जिसने हाँ ये ऑफनबाख में, ये फ्रैंकफर्ट के बाद बड़ा शहर है साथ ही है, और मैं यहाँ पे बोलूँगा कोई 3 जुलाई को। बिल्कुल नहीं, वो सारी है, वो पिछली दफा फ्रैंकफर्ट में बोला था वो भी करेंगे, वो सारा लाइफ है। अभी ये 2 महीने पहले मैं बोला हूँ वो भी लाइफ है। मेरी 200 ठीक है कोई ठीक कर देंगे। मुबशर साहब मेरी 250 रैली हैं जुलूस, जो मैं 20-20 हज़ार लोगों 30-30 हज़ार लोगों से मुखातिब हूँ। क्या बताऊँ मुबशर साहब, या तो आपको मालूमात नहीं है या आप अंधों जैसा मामला करते हैं। YouTube पर देखें कि मैंने हज़ारों हज़ारों लोगों के सामने से बात करता हूँ, टेलीविज़न की मूवियाँ देख लें, 5 ये आपके गुंडे बदमाश ये इंतहा पसंद ये जहन्नम रसीद हो चुके हैं, इससे ज़्यादा खुदा का निशान क्या होगा मुझे बताएं। और मुझे ख़तरा है कि अगर जर्मनी में आके आपने इस किस्म की बदमाशी की तो आपकी सब भी कहीं लिपट ना जाए, लेकिन उम्मीद है कि मेरी दुआ का असर इतना है कि आप हमारे होंगे और हम भी औरों की तरह आपको प्यारे होंगे। वक्त अब वफा करेगा।
ये सुन रहे हैं कि कहाँ गए आप मुफ्ती साहब? चलो ठीक है। अच्छा जी, 12 बजे 12 बजे 12 बजे खुदा हाफिज। हाँ जी जी जी, ये तो अहमदियत का है जलाश, हमारा तो आसमानी वालदैन है। ये आप क्या गलत मलत कर देते हैं काम, हैं कोई बंदे की पुत्र वाली बातें क्या करें। चलो ठीक है, अच्छा इस कंतुष्ट।